कहानी जाट और सुनार की चालाकियों की। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के घर गया। सुनार ने अपने मित्र की बड़ी आवभगत की। शाम को जब रोटी खाने का समय आया तो सुनार ने एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोस दिया। जाट की दृष्टि उस थाली पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि यह थाली तो बहुत ही अच्छी है, किसी न किसी प्रकार इस थाली को अपना बनाना पड़ेगा। सुनार भी जाट की दृष्टि को ताड़ गया और समझ गया कि यह रात को इस थाली को जरूर चुराने का प्रयास करेगा। सुनार ने भी बड़ी चतुराई से काम लिया। उस थाली में उसने पानी भरा और एक छींके पर उसको रख दिया। उस छींके के नीचे ही उसने अपनी चारपाई बिछा ली और लेट गया। सुनार ने मन में सोचा कि यदि मेरा मित्र इस थाली को उतारेगा तो पानी गिरने से उसकी नींद खुल जाएगी। अब रात को जाट उठा और धीरे से थाली को छूकर देखा तो पता चला कि इसमें तो पानी भरा है। जाट ने चूल्हे के पास जाकर राख छानी और थोड़ी थोड़ी करके इस थाली में डालता गया। आखिर में राख ने सारे पानी को सोख लिया। जाट ने थाली को इस तरह से उतारा कि सुनार को पता भी न चला। प्रातःकाल सुनार जागा तो देखा कि थाली गायब थी। जाट ने वह थाली रात को ही गांव के बाहर पानी के गड्ढे में छुपा दी थी और इस दौरान उसके पैरों पर पानी और गीली मिट्टी का निशान बन गया था। अब हुआ ये कि सोते वक्त जाट का एक पैर चादर से बाहर निकल रहा था। सुनार ने पैर पर पानी का निशान बना देख लिया। वह समझ गया कि थाली को किसी पानी के गड्ढे में गाड़ दिया गया है। उसने सूत के धागे से पानी और पैर का निशान नाप लिया और उसी गहराई तक गड्ढे में घुसकर पानी में टटोला तो उसे थाली मिल गई। सवेरे जाट भी जागा। उसने सुनार से कहा, भाई अब मैं जा रहा हूँ। सुनार ने कहा, भाई कम से कम एक दो दिन और रह जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। जाट ने सुनार की बात मान ली और एक दिन और उसके यहाँ रहने के लिए मान गया। शाम होने पर सुनार ने उसी थाली में जाट को खाना खिलाया। जाट उसी थाली को देखकर हैरान रह गया। उसने सुनार से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कितनी सोने की थालियां हैं, क्योंकि एक थाली तो रात को मैं चुरा ले गया था। सुनार ने कहा, यह वही थाली है, मैं उस गड्ढे में से निकालकर ले आया हूं जिसमें रात को तुम छुपा आए थे। इस पर जाट ने कहा, मैं तो खुद को ही ज्यादा चतुर समझता था, पर तुम तो भाई मेरे भी गुरु निकले। हम अपनी दोनों की चतुराई को लाभ जरूर उठाना चाहिए, तो चलो कहीं कोई व्यापार करने चलते हैं। इस पर सुनार ने भी अपनी सहमति जताई और दोनों व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े। चलते चलते एक शहर में पहुँचे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक लाश को लिए शमशान की ओर जा रहे थे। सुनार ने जाट से कहा, लगता है कोई बड़ा आदमी मरा है, हम अपना धंधा यहीं से शुरू करते हैं। शमशान पर जाकर जहां लाश चली, वहीं उन दोनों ने एक सुरंग बनाई। उस सुरंग में से सुनार को बैठा दिया। जाट सेठ के बारे में सब पता करने के बाद सेठ के घर पहुंचा। वहां आकर उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं। सेठ के लड़के ने कहा, उनकी तो मृत्यु हो गई है, अभी उनको जलाकर आए हैं। यह सुनकर जाट बड़े जोर जोर से रोने लगा। सेठ के लड़कों ने उसे रोने का कारण पूछा। जाट ने कहा, सेठ के पास मेरे 10,000 रुपये जमा थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे। सेठ के लड़कों ने कहा, यदि बही खाते में रुपए जमा होंगे तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। बही खाता देखा गया, पर कहीं भी जाट के नाम से रुपए जमा होने की बात नहीं लिखी थी।
तब जाट ने कहा, हो सकता है सेठ जी ने मेरे पैसे बही में ना लिखे हों, पर मैंने रुपये तो जरूर जमा कराए थे। आप सब लोग मरघट में मेरे साथ चलो, यदि मेरे रुपये सच्चे हैं तो सेठ जी खुद ही बोल देंगे। सेठ के लड़कों ने जाट की बात मान ली और मिलकर शमशान में पहुंचे। सेठ ने लड़के को जाट को चिता के पास ले गए। चिता के पास खड़ा होकर जाट ने जोर से आवाज दी, अरे ओ सेठ जी, मैंने जो 10,000 रुपये तुम्हारे पास जमा किए थे वो बही खाते में नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। चिता के पास सुरंग में बैठे सुनार ने आवाज लगाई, बच्चों, इस आदमी के पैसे मेरे पास जमा थे, इसका एक एक पैसा चुका देना, नहीं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। सेठ के लड़कों ने इसे अपने पिता की आवाज समझा और घर आकर जाट को 10,000 रुपये दे दिए। रुपये पाकर जाट ने सोचा कि सुनार को मरने दो, सब रुपये अपने ही घर ले चलूं। इधर सुनार ने भी सोच लिया कि इतने सारे रुपये लेकर वह मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब तो कोई और ही उपाय सोच लेना चाहिए। सुनार ने बहुत ही अच्छे और कीमती जूते खरीदे। जूतों को लेकर वह उसी रास्ते पर गया जो जाट के गांव को जाता था। सुनार ने रास्ते में एक जगह पर उस जोड़ी में से एक जूता गिरा दिया। दूसरा जूता आगे चलकर कोई 100-200 गज की दूरी पर गिरा दिया और खुद छिपकर एक जगह पर बैठ गया। जाट रुपयों की गठरी लेकर आया। उसने रास्ते में पड़ा एक जूता देखा, उसको बहुत पसंद आया, पर एक जूते का वह क्या करता, छोड़कर आगे चला गया। आगे जाकर दूसरा जूता भी उसने रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जाट ने सोचा, यह जूता तो उसी जूते के साथ का है। यह सोचकर उसने रुपये की गठरी तो वहीं पर रख दी और पहले जूते को लेने के लिए चल दिया। इधर वह जूता लेने गया और उधर रुपयों की गठरी को उठाकर सुनार अपने घर आ गया। सुनार ने अपनी स्त्री को सारी बात कह सुनाई और उसे समझा दिया कि यदि वह जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, मैं एक कुएं से में जाकर छिप जाता हूँ, तुम कुछ दिन तक मेरा खाना वहीं पहुँचा दिया करो। यह कहकर उसने वे रुपए एक बर्तन में रखकर आंगन के बीच में गाड़ दिए और वह एक बिना पानी के कुएं में जाकर छिप गया। उधर जाट जब पहले जूते को लेकर लौटा तो वहां रुपयों की गठरी नहीं दिखी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब सुनार की करतूत है। जाट सीधा सुनार के घर पहुंचा। सुनार की स्त्री ने जाट को घर आया देखा तो बोली, मेरे पति को कहाँ छोड़कर आए हो, वह तो तुम्हारे साथ ही गए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या वह अभी तक घर नहीं आया है? सुनार की पत्नी ने कहा, नहीं, वह अब तक घर नहीं आए हैं। जाट समझ तो गया कि सुनार की स्त्री झूठ बोल रही है, वह जरूर आ गया है, किंतु उसके पास अब कोई चारा नहीं था। पर उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक कुछ पता नहीं चलेगा वह जाएगा नहीं। सुनार की स्त्री रोज खाना बनाती, खाना लेकर सूखे कुएं में खाना देने जाती और फिर दूसरे कुएं से पानी भरकर आ जाती। यह उसका नित्य का काम था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जाट चुपचाप उस सुनार की स्त्री के पास पीछे पीछे गया और उसने देखा कि कुएं के पास जाकर उसने आवाज दी, लो रोटी। जाट सारी बात समझ गया। दूसरे दिन जाट उस सुनार की स्त्री जैसे कपड़े पहनकर रोटियों की पोटली बांधकर उस कुएं पर पहुंच गया और उसी प्रकार आवाज बनाकर कहा, लो रोटी। फिर उसने कहा, वह जाट तो चलता ही नहीं, मेरे पास कुछ रुपया पैसा रहा नहीं है, क्या करूं?
सुनार ने भीतर से कहा, आंगन के बीच में जो रुपयों की हांडी दबी पड़ी है उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपयों का पता लगा लिया। सुनार की स्त्री रोज की तरह रोटी लेकर गई और आवाज लगाए, लो रोटी। सुनार ने कुएं में से कहा, अभी तो दे गई थी फिर ले आई। सुनार की स्त्री बोली, मैं कब आई हूं? सुनार ने तुरंत जान लिया कि जाट चालाकी से रुपया ले गया है। वह बोला, अरे भगवान, जल्दी से मुझे कुएं में से निकाल, जाट तेरे जैसे ही कपड़े पहन कर आया था, अब तक तो वह सारे पैसे ले गया होगा। घर आकर उन्होंने देखा कि आंगन खुदा हुआ पड़ा है और सारा धन गायब है। जब सुनार की पत्नी रोटी लेकर सूखे कुएं की ओर जाती थी, तब जाट उसके आंगन में से सारे रुपए उठा ले गया। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर अपने कमेंट में बताइए। धन्यवाद।